लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। फिर वह सप्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे, और देखो एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सप्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सप्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाल ले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्योंकर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा करा दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे,
तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।